हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी वाला। और आज के सेशन में मैं आपको दूंगा एक न्यूज जो कि आपने सुनी होगी, राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से, उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप से भी निकाल दिया गया और उन्हें जेल भी होने वाली है। सुना होगा, तो क्या है ये केस और क्यों उन्हें हुआ है? तो इसका जो बैकग्राउंड जाता है वो देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया ये चीज क्या है कि 2019 में उन्होंने एक रैली में ये बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जो भी चोर है उनके पीछे मोदी नाम कॉमन क्यों है। तो इस वजह से काफी लोगों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने जो है फिर सूरत के एक कोर्ट में केस किया, बीजेपी एमएलए थे उन्होंने किया। तो वो केस जो है 2019 से अब तक चल रहा था। पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी कोर्ट ने बोल दिया कोई बात नहीं, आप चाहे मत आइए। धीरे धीरे वो प्रोसीडिंग आगे चलती रही और फाइनली अब ये डिसाइड हुआ है कि यू आर गिल्टी। लेकिन राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं इसके लिए सॉरी नहीं बोलूंगा। तो फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आपको जो है 2 साल की जेल करेंगे हम। तो उनको 2 साल की जेल मिल गई है, लेकिन अभी उन्होंने जो है 1 महीने का टाइम लिया है कि हम जो है अपील करेंगे हायर कोर्ट में। तो इसके रिगार्डिंग अभी ये मैटर चल रहा है। तो इसमें जो है अब आगे इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है उससे डिस्क्वालीफाई क्यों किया है? क्योंकि एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA 1951, इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, मेंशन है। तो उसके अलावा जो है आर्टिकल जो 102 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं जिनके अंदर कोई भी MP डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो सारे मेंशन है, रूल्स वगैरह। तो उसके अलावा एक ये ई वाला है जिसमें मेंशन है, जो ई क्लॉज है, इफ ही सो डिस्क्वालीफाइड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट। इसके अंदर भी जो है आगे काफी सेक्शन है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसके अंदर हमारा एक लास्ट में मैं आपको बताऊं तो सेक्शन जो है 84 आता है, उसमें क्या कहा गया है कि अंडर द RPA सेक्शन 84 स्टेटेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स इफेक्ट ओनली आफ्टर 3 months हैव इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। विद इन दैट पीरियड लॉ मेकर्स कुड फाइल एन अपील अगेंस्ट द सेंटेंस बिफोर द हाई कोर्ट, कि उनको 3 महीने का टाइम होता है। बट 2013 में एक ली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 मंथ का विंडो आप क्यों दे रहे हो, मत दो। ये जिस दिन से कॉन्विक्शन हुआ है उसी दिन से उनकी मेंबरशिप गई। मेंबरशिप कब जाने का एक और क्लॉज इसमें क्या है कि 2 साल या उससे ज्यादा की उनको जेल हो रही है। तो इनको कितने साल की जेल हुई है? 2 साल की। उसके अलावा एक और चीज है ट्विस्ट यहाँ पे, वो क्या है, अगर आपको 2 साल से ज्यादा की जेल हो रही है तो जिस दिन आप रिलीज होगे उसके बाद अगले 6 साल तक आप जो है डिस्क्वालीफाइड रहोगे, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये चीज भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये इसके बारे में जो है कि अब कोर्ट ने ही बोल रखा है, पार्लियामेंट का लॉ भी है, तो सब जगह से इसी वजह से अब क्या किया है कि जो लोकसभा सेक्रेटरी है उन्होंने बोला कि हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप से। तो हो सकता है कि उन्हें जेल भी हो जाए, हमें नहीं पता। अभी वो जो है हाईकोर्ट में अपील करेंगे, तो या तो वो कॉन्विक्शन पे स्टे लगा दे हाईकोर्ट, तब भी ये आराम से अपना बाहर रह सकते हैं, और या फिर बोल दे कि यस यू आर नॉट गिल्टी, उस केस में भी इन्हें जेल नहीं होगी और उस केस में ये वापस जो है MP रह सकते हैं और इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो इस पे आपका और क्या टेक है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।